आकांक्षी जनपद बलरामपुर में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने व बच्चों में शैक्षिक अभिरुचि पैदा करने हेतु पुस्तक रीडिंग मेला का आयोजन प्राथमिक विद्यालय कोयलीहा में किया गया, जिसकी शुरुआत जिला विद्यालय निरीक्षक गोविंद राम ने की। इस अवसर पर पढ़ाई में उत्कृष्ट रहने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया। शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा लोगों को पढ़ाई के महत्व और अच्छी पुस्तकों के महत्व के बारे में बताया गया। साथ ही अभिभावकों को अपने बच्चों को प्रतिदिन स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया गया। जिला विद्यालय निरीक्षक गोविंद राम ने बताया कि इस आकांक्षी जनपद को गत वर्ष शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति पर नीति आयोग द्वारा पुरस्कार भी मिल चुका है, जिस धनराशि से विद्यालयों में कंप्यूटर लैब इत्यादि की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि पुस्तक रीडिंग मेला जिले में बच्चों को पढ़ाई के प्रति अभिरुचि जागृत करने में महत्वपूर्ण साबित होगा। गत वर्ष में हमने शिक्षा के क्षेत्र में 3 करोड़ रुपए जनपद को पुरस्कार के रूप में नीति आयोग से मिला था, और ये इस तरह का पुस्तकालय का ऑर्गेनाइजेशन करना जिससे कि बच्चे पढ़ सके। किताबें रखे रहने से कुछ नहीं होगा, बच्चे जब तक उसको पूरा नहीं देखेंगे। इसको देख करके लोग प्रोत्साहित होंगे और सभी विद्यालयों में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित होगा, और ये हमारे बच्चों के लिए, विकासखंड के अन्य विद्यालयों के लिए निश्चित रूप से लाभदायी सिद्ध होगा। प्राथमिक विद्यालय कोयलीहा बलरामपुर में रीडिंग मेला का आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि हमारे पुस्तकालय में स्थित सारी किताबों को हम बाहर डिस्प्ले कर दिए हैं, जिसको हमारे बच्चे सारी किताबों को देख सके, उसको पढ़ सके। साथ ही हमारे गांव के अभिभावक भी आएं और विद्यालय की पुस्तकों को देखें, उसको पढ़ें और पुस्तकों को पढ़कर लाभान्वित हों। कर्मठ शिक्षकों के द्वारा अच्छा शिक्षण की व्यवस्था करके धीरे धीरे प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शिक्षा का जो क्षेत्र है वो समग्र शिक्षा के क्षेत्र में समग्र विकास के लिए अग्रसर है। हमारे स्कूल में मेला है और हम लोग जितने भी किताबें हैं हम लोग पढ़ेंगे और ज्ञान प्राप्त करेंगे।